जय सत्यम सिद्धाय जय नमः सत्यम गुरुजी। सिद्धाय जैसा नमः। कि पफसी योग के अंतर्गत बहुत सारे बल प्रदर्शन आते हैं, आपको पता है पफसी योग से पावर, फोर्स, स्ट्रेंथ, स्टेमिना, एनर्जी पांचों चीज़ की वृद्धि होती है। तो इसमें पावर और स्ट्रेंथ जो कि सबसे मेन रूप से खास हैं, तो आज आपको पता है आप इसका प्रदर्शन करने वाले हैं एक, तो तीरथ भैया तैयार भी हैं इस ड्राइविंग के लिए। तो मैं चाहूँगा आप इसका बल प्रदर्शन करके दिखाएं, जिससे कि हमारे यूट्यूब से जुड़े हुए भक्तों को भी विश्वास हो। वैसे तो सबको विश्वास ही है, करते हैं, लेकिन फिर भी प्रदर्शन से एक शो होता है, मतलब तरीके से कि बिल्कुल बॉडी की बिल्कुल। बिल्कुल। तो मैं चाहता हूँ कि आप आज बाइक रोक कर दिखाएं अपनी स्ट्रेंथ से पफसी योग। और उसमें दिखाते हैं हम एक हाथ से रोक के, दो तरीके होते हैं, एक तो हम इसको पकड़ लेती हैं और इस तरीके से पकड़ लेती हैं दो, और एक होता है बस ये और अपनी स्ट्रेंथ बस इससे खींचना जी, और ये चलाएगा। तो उसमें तरीका ये होता है कि अगर हम जैसे ये रेस देगा जी, तो दो विषय हैं कि भाई एक तो चलती गाड़ी को रोकना जी, और एक ये है कि स्टिल है और अब ये अपने को आगे पुश करेगा तो हम पुश नहीं करने देते। तो इस विषय में धक्का नहीं लगना चाहिए, मूल बात ये होती है तरीका। तो अब बल प्रदर्शन, तो बल प्रदर्शन ही है, तो अब देखो इसे करते हैं। जय सत्यम सिद्धाय नमः गुरु जी। जैसा कि अभी आपने बल प्रदर्शन दिखाया था, बाइक रोकी थी, तो मैं जानना चाहता हूँ कि इसके कुछ सीक्रेट होते हैं, या ये पफसी की स्ट्रेंथ होती है, या जो और भी लोग करते हैं ऐसे, उन्होंने जो करा और जो आपने करा उसमें कोई डिफरेंस है ओरिजिनल और उसका? असल में एक आर्ट है, एक तो होता है धींगा मस्ती, कम जबरदस्ती किसी रोक अचानक ना करें इसे, ऐसा करने से क्या होता है मसल स्ट्रेच आ जाएगी। कर सकते हो आप चीज़ पे, आप देखोगे कि भाई जर्नली मैं अभी करके देख देता हूँ, जरा से मैं पैर खिसक गया ना आपका तो आपकी चोट आ जाएगी या आप झटके से एकदम चीज़ चलेगी। तो ज़्यादातर ट्रिक्स हैं इसमें, जो मैं दिखाऊंगा वो ओरिजिनल है, और जैसे आप देखते हो कि उसमें धूल उड़ रही है पहिए का, तो आप उसमें रख दो ऐसी जगह जहाँ मिट्टी का हो, मिट्टी का एरिया हो, तो मिट्टी के उसमें जैसे अब यहाँ पे थे यहाँ, तो वो स्लिप यहाँ मारेगी क्योंकि वो आगे को बढ़ेगी, यहाँ फर्श है पूरा। और उसमें क्या है, उसमें जहाँ रेत या इस तरीके का मिट्टी का, उसमें जैसे वो थोड़ा सा पहिया घूमेगा, पहिया आगे बढ़ने की कोशिश करेगा, जैसे यहाँ आगे बढ़ रहा तो उसमें एकदम वो घूम के उसे मिट्टी फेंकना शुरू कर देगा, धूल फेंक देगा, कंकड़ी सी फेंकेगा, तो ऐसा लगेगा पता ना कितनी जो घूम रही है। दूसरी चीज़ क्या काम करते हैं, बाइक को थोड़ा सा उठा लेते हैं, जो है हल्का सा उठा लिया उसे ऊपर को, अब जब टायर ज़मीन पर है ही नहीं और ज़मीन पर हल्का सा लगता रहता, लगने पर वो पहिया घूमता हुआ दिखाई देता, तो ऐसा लगेगा भाई कितना प्रदर्शन दिखा रहे हैं, ये सब नाटक हो रही है एक तरीके की। और दूसरी चीज़ आती है इसमें, जो ज़्यादातर आप उसमें वो नहीं देखोगे, वो क्या काम करेंगे, पहले गिरेंगे थर्ड गियर में, फिर गिरेंगे सेकंड गियर में, फिर गिरेंगे फर्स्ट गियर में, लौड़ ही ना पड़ रहा, मतलब आवाज़ ज़्यादा आ रही है और हो कुछ नहीं रहा वहाँ, तो फर्स्ट गियर सेकंड गियर में फर्स्ट थर्ड गियर में गिरेंगे, तो थर्ड गियर में तो वैसे ही रुक जाती है गाड़ी नॉर्मली, आपका फर्स्ट गियर में था है नहीं, और सेकेंडरी गियर में गिरा, फर्स्ट गियर में गिरा, अब यहाँ जो मैं दिखाऊंगा वो फर्स्ट गियर का ही है, मतलब आप पहले ही बेयर में फर्स्ट बेयर में उठानी है, फर्स्ट बेयर में गाड़ी अपनी पूरी जाकर झोंक देती है, तो ये सही है। और दूसरा इसमें जो पफसी के व्यायाम है, जैसे जो ये सब व्यायाम है, तो जितना करोगे और उसको थोड़ी देर यहाँ रोकोगे, तो रोकने का जितना आप बढ़ाओगे उससे ये स्ट्रेंथ डेवलप होती है। पावर तो इनके साथ साथ आती है, जब भी आप कोई अभ्यास करोगे, जैसे इसमें गाड़ी रोक रहे थे चीज़ पर, तो उसमें क्या होता है कि ये जब ये जो अभ्यास है इसका, ये वाला कसरत का, तो जितनी देर ये रुका रहेगा या कोई चीज़ आप यहाँ तक रोके रखोगे मसल को फुलाते हुए, या ये चीज़ रोके रखोगे, तो उतना ही इसका व्यायाम का बढ़ता है। तो अगली बार में और तरीके के व्यायाम बताएंगे, मैं इसकी वो भी बताता चलूँगा किस तरीके इसकी टेक्निक्स है और गुरु क्या जी, क्या मैं तरीके एक बात और पूछना चाहता हूँ, जैसे आपने बताया आपने फर्श पर किया और कुछ लोग मिट्टी में करते हैं, तो इसमें क्या पैरों की ग्रिप का भी कुछ होता है फर्श और मिट्टी में? हाँ फ़र्क होता है,
क्योंकि इसमें स्लिप करने के चांस होंगे, जो हमारे जो ये फर्श है इसमें स्लिप कर जा सकता पैर, जम नहीं पाता थोड़ा सा। और उसमें क्या, उसमें मिट्टी थोड़ा सा हल्का सा अपने प्रेशर बना लो तो मिट्टी में जम जाता है पैर, और हल्का सा उसे उठा लो और पहिया घुमा दो, तो वो ड्रामाटिक ज़्यादा है, होती नहीं है इतनी चीज़। तो इसी के साथ फिर अपना जो बताएंगे और अभ्यास के और इनके ट्रिक्स बताऊंगा कि भाई किस तरीके से कर लेते हैं, लेकिन असल भी है और इसके साथ में नकल भी है। और असल में गंभीर होकर करा जाता है, और नकल में तो आप दांत फाड़ रहे हो, हंस रहे हो, वैसी ये सब खेल कूद ऐसे करते दिखा रहे हो, ये सब इस तरीके से नहीं होता। बल प्रदर्शन, बल प्रदर्शन के ही तरीके से होता। तो फिर मैं कहूँगा कि अभ्यास के बिना ना करें, अन्यथा आपके मसल स्ट्रेच हो जाएगी और हो जाएगा भाग भाग से आपको कुछ बल नहीं मिला तो अच्छा है, लेकिन चोट लगने की काफ़ी संभावना। तो इसी के साथ जय सत्यम सिद्धायनमें।